हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स। ओके, सो चलो चलते हैं। ओके, देखो ऑपरेटर्स नथिंग बट कि लाइक जब आप कोई दो वैल्यू पास करोगे, ओके एग्जांपल लो कोई भी दो वैल्यू पास करोगे, तो उस दो वैल्यू के बीच में आप जो ऑपरेटर पास करोगे कंपाइलर उसके हिसाब से उसके ऊपर ऑपरेशन करेगा और आपको आउटपुट ला के देगा। ठीक है, तो सिंपली ऑपरेटर क्या होता है, एक सिंबल होता है। ओके, और सिंबल कंपाइलर को इंडिकेट करता है कि उसको कैसे बिहेव करना है। सो इट मे बी मैथमेटिकल, इट मे बी ए लॉजिकल। सो बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर यहाँ पे लिस्टेड है, लाइक अरिथमेटिक है, रिलेशनल है, लॉजिकल है, बिटवाइज है, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड मिसलियस ऑपरेटर करके हैं। तो हम लोग वन बाई वन देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको अरिथमेटिक, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर सबके ऊपर टेन प्रैक्टिकल कोड करके दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे सब प्रैक्टिकल मेंशन किया है कि लाइक अरिथमेटिक में क्या क्या कोड आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो जो C++ अच्छे से सीखना चाहता है उसके लिए एक ही इंडिकेट है, मेरे साइड से एक ही सजेशंस है कि आप जितना मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिस करोगे उतना आपका प्रोग्राम पावरफुल होगा। ओके, तो C++ अगर आपको लॉजिकल प्रोग्रामिंग, आपका उप्स कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कुछ भी क्लियर करना है किसी भी फील्ड में, अगर आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो पावरफुल नहीं होगा। ओके, तो एक ही सजेशन है, आप उसको प्रैक्टिस करो। तो यहाँ देखो अरिथमेटिक में आप प्रोग्राम देख लो, जैसे मान लो पहला प्रोग्राम है राइट प्रोग्राम टू परफॉर्म द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स, ओके अप टू नंबर ऑफ इंटरवल डिविजन, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। तो मैं इसमें अरिथमेटिक में सब कवर करूंगा। रिलेशनल ऑपरेशन में देखो इतना सारे कोड है, सब 10 प्रैक्टिस है, सेम अब लॉजिकल में है। ओके, एंड बिट वाइज इतने सारे प्रोग्राम्स हैं जो मैं कवर करने वाला हूँ। सो आज हम लोग मेन फोकस करेंगे अरिथमेटिक पे। ओके, इसमें देखेंगे जितना ट्राई करेंगे कवर करेंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पर जो भी करेंगे अच्छे से करेंगे, जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कोडिंग करेंगे तो तरीका क्लियर होगा। ओके ओके, तो चलते हैं फर्स्ट प्रोग्राम लेके। राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन, ओके अप टू नंबर इंटर बाय द यूजर। मतलब आपको एडिशन भी दिखाना है, सब्ट्रैक्शन भी दिखाना है, मल्टीप्लिकेशन दिखाना है एंड डिविजन दिखाना है। आप दो नंबर पास करोगे और दो नंबर कौन पास करेगा, यूजर पास करेगा। तो आप माइंड में लिखे चलोगे आपको करना क्या है। ओके, तो चलते हम लोग चलते हैं, यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक फाइल बनाते हैं। यहाँ पे आपका आएगा लाइक प्रैक्टिस 1.cpp। ओके, ये बना मेरा प्रोग्राम फाइल, इसको बंद करते हैं। चलो नाउ अभी यहाँ पे हम लोग day 8 मेरा ऑलरेडी यहाँ पे ओपन है। सो मैं यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट लाइन अपना जो फिक्स है वो आपको हमेशा याद होना चाहिए, ये बाबा याद करने की जरूरत ना पड़े, हमेशा याद होना चाहिए। बिकॉज कुछ बेसिक चीज़ ऐसे हैं जो आपको लिखना ही पड़ेगा, विदाउट उसके आपका काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो मैंने यूजिंग नेम इस पे शीशे डाल दिया। अब यहाँ पे मैं प्रोग्राम बनाता हूँ। तो ये वायर्ड मेन, मैं यहाँ पे जो मेन का फंडामेंटल है उसको मैं रेडी किया। नाउ अब देखो प्रोग्राम में क्या चाहिए, टू नंबर्स। क्या चाहिए, टू नंबर्स। तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा इंटीजर फर्स्ट नंबर, ओके कॉमा सेकेंड नंबर। मैंने इस नाम को वेरिएबल बना दिया कि मेरा फर्स्ट नंबर है और दूसरा क्या है, सेकेंड नंबर है। नाउ आपको सब्ट्रैक्शन दिखाना है, मल्टीप्लिकेशन दिखाना है, डिवीजन दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले बोलूँगा कि ये जो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर है इसको यूजर से इंटर करना है। ओके, तो पहले आप इतना कवर कर लो कि इसको यूजर को इंटर करें। तो मैं यहाँ पे क्या आएगा, सी आउट, यहाँ बोलो इंटर फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी इन फर्स्ट नंबर। अब नोटिस करो सी आउट में आपका सिंबल लेफ्ट एरो आता है, बट सी इन में आपका राइट एरो आता है। ये मिस्टेक ना हो, ये बहुत लोग फ्रेशर डेवलपर बहुत मिस्टेक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं कंपाइल करूँगा इसको एक बार ध्यान दे दो, तो अगर मैं यहाँ पे दे दिया G++ प्रैक्टिस 1.cpp, तो जैसे मैं इसको रन करूँगा मुझे बोलेगा इंटर फर्स्ट नंबर। तो जो भी मैं नंबर डालूंगा ये आपका 13021 स्टोर हुआ किसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर। मुझे दूसरे में भी नंबर चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, सी आउट यहाँ पे
इंटर सेकेंड नंबर. ओके नाउ हियर सी क्या है आपका सेकेंड नंबर. सेकेंड नंबर आपको देखो दो वैल्यू मिल गया, एक बार फर्स्ट नंबर मिल गया, एक सेकेंड नंबर मिल गया. अब इसे यहाँ पे अगर कंपाइल करने जाओगे नाउ इट विल बिकम लाइक इंटर फर्स्ट नंबर इंटर सेकेंड नंबर. तो आपका फर्स्ट नंबर में 12 सेट हुआ और सेकेंड नंबर में 2133 जो भी आप वैल्यू इंटर करोगे यहाँ पे सेव होगा. अब आपको चाहिए क्या यहाँ पे परफॉर्म द एक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन. अभी बैक थोड़ा बैक करो, देखो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है तो यहाँ पे मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड दिखा रहा हूँ, बाकी भी यहाँ पे सबका यूज रहेगा हम लोग दिखाएंगे इसका, बट अभी जो इसका रिक्वायरमेंट है इस तीनों का है. तो ये जो प्रोग्राम यहाँ पे है ना ये प्रोग्राम आपको सब धीरे सब कुछ कॉल हो जाएगा. ओके सो चलो यहाँ पे पहला क्या चाहिए एडिशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे सी आउट बोलूंगा सी आउट यहाँ पे मैं बोल दिया एडिशन. जो एडिशन है क्या आएगा यहाँ पे मैं बोल दूंगा फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर ऐसे. ठीक है अब मैं यहाँ पे अगर ये लाइन देखोगे जो फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर है मैं ये प्रिंट करता हूँ तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो या यहाँ पे एक अलग वेरिएबल बना के इसमें स्टोर कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं ऐसे ही ले रहा हूँ. ठीक है सो अगर मैं यहाँ पे रन करने जाऊँगा सो कंपाइल करो रन करो यहाँ पे फर्स्ट नंबर 10 है सेकेंड नंबर 20 तो यहाँ पे एडिशन कितना आया 30 आया. ओके क्योंकि ये जो फर्स्ट नंबर है सेकेंड नंबर है बीच में प्लस का सिंबल है, तो प्लस का सिंबल क्या करता है जो भी वैल्यू रहेगा उसको कंबाइन करके यहाँ पे एक नंबर लेके आएगा. और सेम अगर मुझे माइनस चाहिए तो मैं इसी में क्या बोल दूंगा लाइक सब्सट्रैक्शंस. ओके सब्सट्रैक्शंस तो सब्सट्रैक्शन केस में यहाँ पे क्या जाएगा आपका आपका जो ऊपर का कोड है सेम वही आएगा, बस यहाँ पे आपका माइनस का सिंबल आ जाएगा. ठीक है देखो अभी केस में मैंने यहाँ पे ई एन डी एल यूज नहीं किया है, वो क्या करता है ई एन डी एल ये क्या करता है लाइन चेंज करता है, बट अगर मैं अभी नहीं यूज करूंगा तो जस्ट इसी के सामने इसका आंसर आएगा. तो अगर यहाँ पे चेक करने जाओगे सो देखो अगर मैं 10 पास किया 20 पास किया देखो यहाँ पे आया सबसे कम, बट इसके सामने आया. आपको नीचे चाहिए आपको यहाँ पे क्या पास करनी पड़ेगी ई एन डी एल. ओके सिमिलरली हम लोग सबके लिए पास कर देंगे, तो यहाँ पे कंपाइल करो रन करो 10 20 तो आपका एडिशन 30 आया सब्सट्रैक्शन माइनस 10 आया. ओके सिमिलरली आपको समझ में आ गया होगा आगे करना क्या है अगर आपको मल्टीप्लाई करना है. ओके तो सिंपली यहाँ पे जो मल्टीप्लाई सिंबल है स्टार वो पास कर दो, अगर आपको डिवाइड करना है तो यहाँ पे डिवाइड पास कर दो दैट्स इट. सो आपका प्रॉपर जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे होके आपका प्रिंट हो जाएगा. ओके अगर मैं इसको रन करता हूँ 10 and 20 तो आपको देखो प्रॉपर आंसर आया. ओके हाँ एक बात और देखो डिवाइड में आपको 20 मिला है, बट यही अगर मैं यहाँ पे 20 नीचे 10 पास करूँ तो आपको 2 मिलेगा क्योंकि ये इंटीजर है और इसको डेसिमल में लेके नहीं जाएगा, अगर ये आपका फ्लोट होता है तो इसको डेसिमल तक लेके जाता हो. ओके सो यहाँ पे ये जो आपका है फर्स्ट प्रोग्राम में जो रिक्वायरमेंट था यहाँ पे लाइक परफॉर्म द एक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ओके ऑफ टू नंबर इंटर बाय द यूजर. तो यहाँ पे जो प्रोग्राम है यहाँ पे यूजर इसको इंटर कर रहा है और उसको हम लोग परफॉर्म एक्शन करके यहाँ पे दिखा रहे हैं. ओके दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट करो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. वो चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में.